वेलकम टू एम के क्लास आवर्स। एम के क्लास आवर्स चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने एक बार हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर, और आज का टॉपिक है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए, और उन बच्चों के लिए खासकर जो 12 में है उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो इसलिए मेरे जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं शुरू से अंत तक देखें और बीच में काट काट कर ना देखें, क्योंकि आज का जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच का आज पहला पार्ट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगता है। ठीक है ना, तो चलो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले नरेशन, नरेशन को हम स्पीच भी कहते हैं या स्टेटमेंट भी कहते हैं। नरेशन को तीन नाम दिया जा सकता है, जिसका हिंदी हो सकता है कथन। अब ये नरेशन है क्या, नरेशन वर्ड कहाँ से आया? मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि नरेशन वर्ड आया कहाँ से, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लूँ। नरेशन जो है कहाँ से आया, इसके बारे में थोड़ा देख लें। नरेशन इज मेट फ्रॉम नरेट भाव, इट्स मीनिंग इज टेल। क्या कह रहा, नरेशन नरेट भाव से बना है, जिसका मतलब होता है कहना। क्या मैंने लिखा, नरेशन इज मेड फ्रॉम नरेट भाव। नरेशन एक नरेट भाव से बना है, नरेट भाव से बना है, और जिसका मतलब होता है कहना। ठीक है, इज इट क्लियर, समझ में आ रही, कहीं कोई दिक्कत? चलो फिर आगे देखते हैं। अब इसका तो ये हमने बताया कि नरेशन कहाँ से आया, एक नरेट भाव से बना है। ठीक है, अब इनका अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कैसे कह सकते हैं, नरेशन इज द वे ऑफ टेलिंग और गिविंग एन अकाउंट ऑफ द स्पीकर is presented before others। क्या लिखा, देखिए, narration is the way of telling or giving an account of the speaker। आप इस presented कर सकते हैं या आप सीधे इसको कहते हैं before others। ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने क्या कहा, नरेशन इज द वे ऑफ टेलिंग और गिविंग एन अकाउंट ऑफ द स्पीकर बिफोर अदर्स। मतलब यह हुआ, नरेशन एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा जरिया है जो स्पीकर के द्वारा कही गई बात को लिसनर क्या करता है, किसी और के सामने कहता है। मतलब यह हुआ कि अगर हमने कोई चीज कहा, कोई बात कही, और उसी बात को लिसनर सुनने वाला, मतलब आप सुनकर किसी और से कह दिया, किसी राम से, किसी रहीम से कह दिया, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीच कहते हैं या नरेशन कहते हैं। समझ में आ रही बात? मतलब ये हुआ कि आप ऐसा कह सकते हैं हिंदी में कि स्पीकर के द्वारा कही गई बात को लिसनर जब किसी और से कहता है तो उसे क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, समझ में आ रही है, आ रही है समझ में आप लोगों को? मैंने कहा कि स्पीकर के द्वारा कही गई बात को जब लिसनर किसी और से कहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। और उसी का अंग्रेजी मैंने इसमें इंग्लिश मैंने डिफिनेशन लिखा कि नरेशन इज द वे ऑफ टेलिंग और गिविंग एन अकाउंट ऑफ द स्पीकर बिफोर अदर्स। नरेशन एक ऐसा रास्ता है जो स्पीकर के द्वारा कही गई बात को लिसनर किसी और के सामने प्रकट करता है, रखता है। क्लियर है? चलो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका डिफिनेशन तो समझ में आ रही है आप लोगों को, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे कि नरेशन को यानी स्पीच को
कितने भागों में बांटा गया है? नरेशन को दो भागों में बांटा गया है, पहला डायरेक्ट स्पीच और सेकेंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये पहला डायरेक्ट स्पीच, इसको हम कहते हैं डीएस, और इनडायरेक्ट स्पीच इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आईएस। अगर मैं इसका हिंदी कहूं तो कह सकते हैं प्रत्यक्ष कथन, अगर इसको कहूं तो कह सकते हैं अप्रत्यक्ष कथन। क्लियर है? मैंने कहा नरेशन को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच मींस प्रत्यक्ष कथन अप्रत्यक्ष कथन। अब हमें देखना है किसको, डायरेक्ट स्पीच क्या है, पहला यानी डीएस, कह सकते हैं व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर इज प्रेजेंटेड इन ओरिजिनल फॉर्म मीन्स विदाउट एनी चेंजिंग, इट इज कॉल्ड डीएस। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लिखा व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर इज प्रेजेंटेड इन ओरिजिनल फॉर्म, मतलब ये हुआ व्हेन द स्टेटमेंट, जब कोई स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर, स्पीकर का स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड, जब प्रस्तुत की जाए, किसी के सामने रखा जाए इन ओरिजिनल फॉर्म, वैसे ही फॉर्म, मतलब विदाउट एनी चेंजिंग, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, डीएस कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर डायरेक्ट स्पीच का डेफिनेशन में कहूँ तो कह सकते हैं कि स्पीकर के द्वारा कही गई बात को जब लिसनर बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी चेंजिंग के, किसी और के सामने प्रकट करता हो, रखता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच में कहते हैं। क्लियर समझ में आ रही मेरे बच्चे? मैंने कहा कि डायरेक्ट स्पीच एक ऐसा स्पीच है, अगर कोई बात मैंने कहा, मतलब स्पीकर मतलब बोलने वाला ने कोई कुछ कहा और वही स्टेटमेंट को लिसनर ने सुना और हूबहू वैसा ही जैसे फर्स्ट पर्सन ने कहा एंड मीन्स स्पीकर ने कहा, वैसा ही हूबहू किसी और के सामने आप जाकर कह देते हैं, तो उसी को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर इज प्रेजेंटेड इन ओरिजिनल फॉर्म, मतलब विदाउट एनी चेंजिंग, उसमें कोई बदलाव ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, कोई चेंजिंग ना हो, इट इज कॉल्ड डीएस, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मतलब आप अगर एक बार फिर सुन लें, स्पीकर के द्वारा कही गई बात को लिसनर जब उसमें कोई परिवर्तन ना करके, कोई बदलाव ना करके, किसी तरह का कोई बदलाव ना हो, किसी तरह का कोई चेंजिंग ना हो, और किसी और से कहे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच में मानते हैं। ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं डीएस में, She said to me, I know you. मतलब क्या है? She said to me, देखिए डायरेक्ट स्पीच, इसी को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। She said to me, I know you. ये स्पीकर का स्टेटमेंट हुआ। ये क्या है? स्पीकर का स्टेटमेंट हुआ। यही मैंने कहा, मतलब स्पीकर ने कहा और लिसनर ने किसी को पास सुनकर, किसी को मतलब स्पीकर के पास सुनकर किसी और को जाके क्या कहता है कि सी सेड टू मी आई नो यू। क्या है? स्पीकर का कहा गया स्टेटमेंट है और हूबहू वैसे ही किसी के सामने प्रस्तुत कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, तो इसी को हम डायरेक्ट स्पीच में कहते हैं। क्लियर हैं? तो चलो अब देखते हैं हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच किसके कहते हैं, क्या है इनडायरेक्ट स्पीच, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आईएस में
when the statement of the speaker is presented in transformed form, means with the changing, मतलब किसी तरह के बदलाव के साथ, it is called IS. Okay? मेरे प्यारे बच्चे देखिए क्या कहता है, when the statement of the speaker is presented in transform, transform का मतलब एक form से दूसरे form में बदला हुआ हो, यहां पे bracket में हमने लिखा with the changing, मतलब किसी तरह के बदलाव के साथ, इट इज कॉल्ड आई एस, उसे आई एस कहते हैं. मेरे प्यारे बच्चों थोड़े से डिफरेंट है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में. डायरेक्ट स्पीच में मैंने कहा कि स्पीकर के द्वारा कही गई बात को लिसनर जब किसी परिवर्तन उसमें कोई बदलाव ना करके किसी और के सामने रखता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. बट इनडायरेक्ट स्पीच में थोड़ी सी बस उसमें बदलाव करके होना चाहिए, मतलब स्पीकर के द्वारा कही गई बात को लिसनर जब उसमें कुछ फेर बदल करके उसमें कुछ बदलाव करके किसी और के सामने कहता है, किसी से कहता है, तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में मानते हैं. समझ में आया इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच का डेफिनेशन समझ में आ रहा, वो उसका जो डिफरेंसेस है उनको समझ में आ रही है. मतलब आप इतना याद रखें कि जो डायरेक्ट स्पीच होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्पीकर का जो स्टेटमेंट है उसमें कोई बदलाव नहीं होता, बट इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें स्पीकर का स्टेटमेंट है उसमें परिवर्तन होता है, उसमें चेंजिंग होता है. क्लियर? बस इतना ही आपको डिफरेंसेस है कि डायरेक्ट स्पीच में चेंजिंग नहीं होता है और इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजिंग होता है. ठीक है? अब इनका जो डेफिनेशन है ये तो हमने लिख दिया, अब इसका सिर्फ एग्जांपल हम देखते हैं. मैंने उससे पहले भी लिखा था, कहता सी सेड टू मी, वही डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है ये. सी सेड टू मी आई नो यू. अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलेंगे तो लिखता सी टॉल्ड मी, यहाँ पे टॉल हो गया, सेड के बदले टॉल हो गया, ये टू को हटा देते हैं और फिर यहाँ पे मी आ गया और इनवर्टेड कोमा के बदले में यहाँ दैट होता है. मेरे प्यारे बच्चे आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर यहाँ टोल्ड कैसे हो गया, यहाँ दैट कैसे हो गया, ये जो हम अगला क्लास लेंगे इसे नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें पूरी तरह से समझ में आएगी. मेरे प्यारे बच्चे आप इसको अच्छी तरह से समझें, ये जो टोल्ड वाली बात हो गया दैट वाली बात हो गया ये मेरे इस वीडियो से समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि आपको अगर मेरा वीडियो से कुछ सीखना, मेरे चैनल से कुछ सीखना है, अंग्रेजी सीखना है, तो आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहें और साथ ही साथ इस वीडियो को देखें और अगला वीडियो जो होगा उसको भी केयरफुली देखें, तभी ये आपका केयर जो भी आपका कन्फ्यूजन पैदा होगा वो सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे. ठीक है ना? यहाँ दैट हो गया. अब यहाँ पे करता है कि फर्स्ट पर्सन, ये सब देखना है, कहता फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार. आप इसको चेंज करते हुए याद रखेंगे कि यहाँ पे जो पर्सन है जिसको हम चेंज कर रहे हैं वो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रखना है. तो ये सब्जेक्ट आई है, आई के रूप, आई जो है सब्जेक्ट के काम करता है, तो यहाँ सी को भी हम सब्जेक्ट के रूप में डालेंगे तो सी हो गया. अब यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बदलते हैं तो नहीं हो गया. अब कहता सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ मी है और यहाँ पे यू किसका काम किया, ऑब्जेक्ट का काम किया, तो ऑब्जेक्ट का काम किया तो यहाँ पे मी का मी ही डाल देंगे. ऐसे देख लीजिए आप डिफरेंस. इसमें पहला डीएस में डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है, कहता सी टॉल मी आई नो यू, लेकिन इनडायरेक्ट में ये चेंज हो गया. मैंने कहा कि इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ परिवर्तन हो जाता है तो जैसे सी टॉल मी दैट सी नो मी. क्लियर समझ में आ गया? इनडायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट के डेफिनेशन भी समझ में आ गया और इनका एग्जाम्पल भी आपको दे दिया मैंने. अब एक छोटा सा आपको और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखने की ज़रूरत है. देखिए नोट पॉइंट पे हमने लिखा, मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ नोट पॉइंट. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसको आप अच्छी तरह से आप कॉपी कलम निकाल लीजिए. मेरे प्यारे बच्चे जो ये नोट पॉइंट है इसमें आप कॉपी कलम एकदम बिल्कुल, मैं बोलता हूँ दो बार तीन बार बोलूँगा रिपीट करूँगा उसको, एक एक पॉइंट को बाय टू द पॉइंट हाफ लिख लेंगे. देखिए नोट पे क्या कह रहा है, कहता है कि स्पीकर के द्वारा डायरेक्ट स्पीच में, यहां पे कह रहा डायरेक्ट स्पीच में
स्पीकर के द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहा मैंने? डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है। इन्वर्टेड कोमा मीन्स ऐसे, आप अगर लिखना चाहें तो ऐसे कहते हैं इन्वर्टेड कोमा, कोमास मीन्स ऐसे कर देंगे। बच्चे आप सीखने आए हैं, बढ़िया से सीखें। कहते हैं इन्वर्टेड कोमास के अंदर डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और साथ ही साथ जो बात इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब लिखते जाइए एक एक करके, वर्ब जिसे हम आरबी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आरबी से डिनोट करते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब, सॉरी वर्ब को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब्जेक्ट होंगे उसको द सब्जेक्ट ऑफ आरबी तथा उनके ऑब्जेक्ट को आरबी ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। इतनी बात को लिख लीजिए, फिर एक बार मैं दोहरा देता हूं। आप सामने लिख दिया कि आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए डेफिनेशन को मैं एक एक करके फिर दोहरा देता हूं। देखिए क्या कह रहा है, फिर एक बार देख लीजिए आप। डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो बात इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। जो भाग इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब तथा उनके सब्जेक्ट को द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और उनके ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर समझ में आ रही है आप लोगों को? कहीं कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। चलो बहुत अच्छा, दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, हम आपको सामने देखते हैं। एक डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस लेता हूं मैं, कहता सी, अभी अभी जो मैं एग्जाम्पल दिया था आपको, यही एग्जाम्पल को देखता हूं। सी सेड टू मी आई नो यू, सी सेड टू मी आई नो यू। मेरे प्यारे बच्चे मैंने क्या कहा, ये देखिए डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच। अब जो हमने नोट लिखाया आपको कहा उसके बारे में फिर यहां थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप देखिए एक एक पॉइंट को देखेंगे, मैंने लिखा, आप देखिए अपने कॉपी को। कहते हैं डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर के द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा गया। इन्वर्टेड कोमा के अंदर यहां से यहां तक है, जिसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और जो भाग इन्वर्टेड कोमा से बाहर रहता है, इन्वर्टेड कोमा से बाहर ये है सी सेड टू मी, इसको हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। क्या कहेंगे? रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को, वर्ब क्या है यहां पे? ये सेट, इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे आरवी। और रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के सब्जेक्ट को मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को द सब्जेक्ट ऑफ आरवी। और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को बड़ी गौर से समझेंगे आरवी ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये आपका जो है ना, जो नोट लिखा है उस पर पूरा बेस पे हमने एग्जाम्पल दे दिया। मैंने क्या कहा
देखिए फिर गौर से सुने इसको। मैंने कहा स्पीकर के द्वारा कही गई बात को इनवर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है, ये देखो इनवर्टेड कोमा, और इनवर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, देख लो गौर से, ये इनवर्टेड कोमा है और इसके अंदर रखा गया है ये लाइन के ऊपर जो सेंटेंस है ये इनवर्टेड कोमा के अंदर रखा गया है, और इस सेंटेंस को हम रिपोर्टेड स्पीच में मानते हैं। क्या मानते हैं? रिपोर्टेड स्पीच में। और जो भाग इनवर्टेड कोमा से बाहर है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच में। और यहां से ये देख लेंगे, ये बड़ी लाइंस, ये बड़ी सी लाइन है, इसके नीचे ऊपर जो सेंटेंस है इसको हम क्या मानते हैं, यहां से सी से लेके मी तक, मतलब सी से टू मी, ये कंप्लीटली किस में हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच में हो गया, सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच में हो गया। ये किस में हो गया मेरे प्यारे बच्चे, रिपोर्टिंग स्पीच में। और रिपोर्टिंग स्पीच के जो वर्ब हैं सेड, ये क्या है, ये वर्ब है, इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको हम आरबी से डिनोट करते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब्जेक्ट हैं सी, इसको हम क्या मानेंगे, द सब्जेक्ट ऑफ आरबी, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट मानेंगे। और इनका जो ऑब्जेक्ट है मी, इसको मानते हैं रिपोर्ट आरबी ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मानेंगे। क्लियर समझ में आ गई आप लोगों को, कहीं कोई दिक्कत नहीं? वाह वेरी गुड। आप देखें मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप नए बच्चे हैं जो बिल्कुल मेरे चैनल को पहली बार आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो आप क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे तक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट भी करना ना भूलें। अगर कहीं किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप ज़रूर मेरे चैनल पे आके कमेंट करें और मुझसे पूछें, सर यहाँ कन्फ्यूज़न पैदा हो रही है। और अगर साथ ही साथ अगर किशनगंज के आसपास के कहीं के हैं, किशनगंज के आसपास के जो हमारे किशनगंज में आप आ सकते हैं, तो आप मुझसे आकर सवाल कर सकते हैं, मैं आपका जो भी कन्फ्यूज़न है उसको दूर ज़रूर करूँगा। और इस मैसेज को, जो मेरा चैनल का जो लिंक है, इसको दूसरे तक पहुंचाने के लिए पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करें। और तब उन लोगों को जो अंग्रेजी सीखना चाहता है, उन लोगों को बहुत ही इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे मदद मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं या ऐसे बच्चे हैं जो जिसके पास टाइम ना हो पढ़ने का, आके किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने का टाइम ना हो, तो मेरे इंग्लिश चैनल से, मेरे एम के क्लास आवर चैनल से अंग्रेजी सीखने का एक बहुत ही बड़ा फायदा मिल सकता है उसे। ओके ओके, बाय बाय।